चलिए हम पर दया होने वाली है। रोमियो 11 अध्याय 22 आयत पढ़िएगा, रोमियो 11 उसका 22, ध्यान से क्या लिखा है वहां पर। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई करेगा, जो पाप में गिर गए, जो टूट गए उनको और तोड़ डालेगा वो। याद रखना इस बात को, कड़ाई होगी उन पर, सख्ती उन पर करेगा परमेश्वर, और यदि तू उसमें बना रहे, क्या लिखा है, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे। फिर से, इसलिए यदि, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर सख्ती की जाएगी, जो गिर गए उन पर कड़ाई करेगा परमेश्वर, परंतु तुझ पर कृपा, हाथ उठा के बोलो हम पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। यदि आप उसमें बने रहें तो आप पर कृपा होगी। हमने भी गवाही सुना, 5 साल से वो लगातार प्रभु के पास आ रहे हैं, उनके पास घर नहीं था, उनका पति पागल हो गया था, परिस्थितियां बहुत खराब थी, पर उन्होंने परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ा। सही है कि नहीं? वे लगातार वचन उनके अंदर जैसे जैसे स्थान पाता गया, वचन जैसे जैसे जगह पाता गया, वैसे वचन अपना बल दिखाता गया। आमीन बोलो, बल दिखाता गया। आमीन बोलो। जैसे जैसे आप उसे स्थान दोगे, वैसे वैसे वो अपना बल दिखाएगा, वो आपको गरीब नहीं बनने देगा। परमेश्वर का लक्ष्य है उसके लोग कभी गरीब नहीं होंगे, परमेश्वर का उद्देश्य है उसके लोग कभी लाचार नहीं बनेंगे। देख लो यहां पर वो कह रहा है, पर जो गिर गए पाप की दुनिया में, जो गिर गए गुनाह की दुनिया में, उन पर परमेश्वर सख्ती करेगा। सख्ती का मतलब ये, जो चीजें आपको मिलने वाली थी वो बहुत दूर हो जाएंगी, आपको संघर्ष के स्थान में जाना चला हो जाएगा, आपका जीवन संघर्षमय हो जाएगा, आपका जीवन दुर्बल हो जाएगा, आपका जीवन कमजोर हो जाएगा, जब आप अपने विश्वास के अंदर पाप के वचन को आने देते हो, पाप के तस्वीर को आने देते हो, पाप की दुनिया को आने देते हो, आप बहुत लंबे संघर्ष में चले जाते। आपके चारों तरफ दुश्मन, आपके चारों तरफ निंदा करने वाले खत्म नहीं होते, वो बढ़ते जाते, बीमारियां बढ़ती जाती, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, एक खत्म होगा दूसरा तैयार होगा, क्योंकि वहां तो विश्वास तो है नहीं, उस विश्वास के अंदर जीवित जगह तो है नहीं कि वो आपकी बीमारियों को काटेगा, आपने ही उसे आने दिया, तो आप ही अपने आशीषों को दूर करते हैं। जब परमेश्वर का जो जिंदगी है, परमेश्वर का जो वचन है, उसका जो बातें हैं, अगर आप में सही स्थान नहीं पाते तो आप एक संघर्ष में चले जाते हो। कहां चले जाते हो? संघर्ष में चले जाते, याद रखना। कह रहा है जो गिर गए उन पर सख्ती करेगा परमेश्वर। पड़ोसी को बोलो, जो गिर गए उन पर क्या होगी? क्या करेगा परमेश्वर? और जो बने रहे, क्या लिखा है? परंतु तुझ पर कृपा, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे। आमेन आमेन आमेन। बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो। मैं कह रहा हूं आप कृपा के पात्र बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कोई हंस रहा है उसे हंसने दो, कोई आपको ताना मार रहा है उसे मारने दो, कोई आपकी निंदा कर रहा है उसे करने दो, पर परमेश्वर आप पर कृपा करने जा रहा है। उसका कृपा यह है कि वो आपकी जिंदगी में जीवन जल की नदियां धारा की नाई देने वाला है परमेश्वर। वो आपको कमजोर नहीं रखेगा। क्या अभी एक बहन जो प्रयास कर रही थी घर के लिए, वो कितने साल से प्रयास कर रही थी,
दस सालों से प्रयास कर रही थी एक घर मेरे लिए आ जाए, एक घर मेरे लिए आ जाए। सोचो उसके पास पैसे नहीं है, पर याद रखो जब वो यीशु के पास आती है तब उसका प्रयास सफल हुआ, बाकी का प्रयास शैतान चोरी कर रहा था। मजदूरी करो पैसा नहीं मिलेगा, आपके आंखों में आंसू, आपके परिवार में धोखा, मजदूरी किया पैसा नहीं मिला, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो कि उसे खींच ले अपने पास। आपके पास कोई ऐसा बल नहीं है कि आपने जो किया आपको मेहनत मिल जाए, परिश्रम मिल जाए। पर जब वो बहन मसीह में आकर के अपना प्रयास किया, बगल वाले से बोलो प्रयास किया, तब उसका घर बना कि नहीं बना? उसका घर बना कि नहीं बना? वो एक झोपड़ी में रह रही थी, देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? वो एक झोपड़ी में थी कि नहीं थी? पर प्रभु ने क्या किया? हाथ उठा के बोलो, उसे बरकत और आशीष दी, उसे अपनी पहचान दी, उसे अपनी बरकत दी। क्यों दे दिया? क्योंकि वो परिवार किसकी पहचान में चलना शुरू हुआ, किसकी इच्छाओं में जीना शुरू हुआ, किसके वचन में चलना शुरू हुआ? यीशु के साथ। इसलिए यीशु अपनी कृपा करने वाले हैं इस वचन के अनुसार, परंतु तुझ पर कृपा यदि तू उसमें बना रहे। कृपा के पात्र बनने के लिए हालेलुया तेजी के साथ बोले, आशीषों का पात्र बनने के लिए हालेलुया तेजी के साथ बोले, यदि आप उसमें बने रहोगे कृपा आपके ऊपर आएगी। यदि आप गंदगी करोगे, परमेश्वर के वचन को दूषित करने का प्रयास करोगे, तो बाइबल कहती है आपके ऊपर शक्ति आती है। शक्ति का मतलब करते रहो इलाज, जब तक तुम कंगाल नहीं हो जाते, जब तक तुम पर कर्ज नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा खेत नहीं बिक जाता, जब तक तुम्हारा घर नहीं बिक जाता, तुम फुर्सत नहीं पाते हो। आज का डेली डिवोशन दिखाइए, पढ़िएगा, जब हम बोने वाले को बीज देंगे तब वह तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। यही करेंगे तो हम परमेश्वर हमें धन के मामले में संघर्ष से बाहर रखेंगे। हाथ उठा के बोलो, धन के मामले में, आशीषों के मामले में संघर्ष से बाहर। संघर्ष नहीं करना होगा, आपको संघर्ष से बाहर रखेगा परमेश्वर। कब? जब आप बोने वाले को बीज बोते देते हो बोने के लिए। आज याद रखो कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में परमेश्वर का बलिदान नहीं देते, अपनी जिंदगी में खुदा का वचन नहीं पूरा करते। आप प्रार्थना करते हो बहुत अच्छा है, चर्च आते हो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर का वचन एक्यूरेट नहीं पूरा करते जैसा बाइबल कहता है, आपके लिए कोई आशीष नहीं। यह सोच लेना, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी का टाइट चोरी किया, दशवांश। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी का ऑफरिंग चोरी कर लिया। आप पता है आप कहां बैठे हो? आप यहां कैसे आशीष पाओगे? आप कैसे विश्राम में प्रवेश कर पाओगे? जो आपके सामने वचन बोल रहा है, जो आपको वचन सिखा रहा है, उसके पास एक दर्शन है। क्या है? और वो दर्शन उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, परंतु आपके जीवन के लिए है। आपका घर कैसे बनेगा, आपका आप ऊंचाई पे कैसे उठोगे, आप शक्तिशाली बनोगे कैसे बनोगे, आप आशीषों में कैसे बढ़ोगे, यह सारा दर्शन कलीसिया नियुक्त करता है, खुदा नियुक्त करता है कलीसिया में। और जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को सामने लेकर नहीं आओगे, तब तक आपका दर्शन पूरा नहीं होता है, आप टूटे हुए रहते हो। आप यदि आपने हमारे लिए दुआ नहीं की, आप आशीषित नहीं हो सकते। यदि चर्च कलीसिया अपने अगुवे के लिए दुआ नहीं कर सकता, वो कभी आशीषित नहीं होगा। यदि चर्च अपने अगुओं को ब्लेस नहीं कर सकता, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते।
आशीषों, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो, पर तरीका कौन बता रहा है आपको? परमेश्वर। याद रखना इस बात की, कलीसिया का एक विजन होता है, एक दर्शन होता है, और जहां पे आप आते हो, ये 5 साल से रुके रहे, ये 10 साल से प्रभु के पास रुके रहे, 5 साल से वो श्राप पीते थे, दारू पीते थे, पर उनकी जिंदगी से वो दारू छूटा कि नहीं छूटा? दारू पीना छूटा कि नहीं छूटा? क्यों छूटा मालूम है? केवल उसने केवल एक ही वचन नहीं पूरा किया, उन्होंने पूरा वचन पूरा किया जो चर्च बता रहा है। आप प्रार्थना करने वाले हो, बहुत अच्छा है, पर यदि बीज बोने वाले नहीं हो, आप अधूरे हो, आप अपनी लाइफ में समृद्धि के रास्ते नहीं देख पाते हो, आप अपनी जिंदगी में धन प्राप्ति का आशीष नहीं देख पाते हो, वो आएगा और फिर चला जाएगा। आपके पास मौका परमेश्वर देता है, आपके पास मौका आता है, आपका क्या योगदान होता है चर्च के लिए, परमेश्वर के काम के लिए? जिस तरह एक चरवाहा होता है, पूरी लगन से भेड़ों को चराता है और तैयारी के साथ खड़ा होता है, भेड़ों का क्या कर्तव्य है कि अगर वो उस चीज में भागदान बनना चाहते हैं तो उन्हें भी उसी लगन से खड़ा होना पड़ेगा जैसा चरवाहा खड़ा है, उसी लगन से उसकी बातों को सुनना पड़ेगा जैसे चरवाहा बता रहा है, तभी आपके लिए वो चीजें आती हैं जो यहां से आपके लिए कही जाएंगी। सुनो सुनो ध्यान से, आज बहुत सारे लोग, मैं समझ रहा हूं, बहुत सारे लोग धन प्राप्ति की आशीष के लिए प्रयास करते हैं, पर आप हमारे साथ विजन में शामिल नहीं है, आप हमारे सोच पर, जो सोच प्रभु हमें दे रहा है, जो बातें हमें दे रहा है, उसमें आपकी सोच सही नहीं है, आप आशीष नहीं मिलेगी आपको। परमेश्वर का जो चरवाहा होता है, जो खुदा चरवाहा नियुक्त करता है, वह किस लिए? ताकि उसकी भेड़ें हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहें। आमीन। वह इसलिए नियुक्त करता है ताकि वो चरवाहे की बात जब भेड़े माने, उस दर्शन की बात, उस विजन जो खुदा आपको दे रहा है इस चर्च से, जब आप उस बात को मानते हो, फॉलो करते हो, पूरा करते हो, वो चीजें आप में पूरी होती हैं। याद रखना, ये एक विश्वास की परिस्थिति है, और अविश्वास के कारण परिस्थितियां टूटती। जो अविश्वास रखा, जिसने खुदा के वचन को नहीं बोला, नहीं माना, एक बार मारने के लिए बोला, 2 बार मार दिया, और मारने के लिए नहीं बोला, क्या कहा? जाकर उससे क्या कर, चट्टान से क्या कर। आज आप बात कर रहे हो, आज आपको यीशु मसीह को नहीं मारना, यीशु मसीह के वचन का उल्लंघन नहीं करना। यदि आप उसके वचन को तोड़ते हो तो आप यीशु मसीह को मारते हो, और जब आप यीशु मसीह को मारोगे, आप कभी भी विश्राम में नहीं प्रवेश कर सकते, आप कभी भी शांति का स्थान नहीं पा सकते, आप कभी भी अपनी जिंदगी में समृद्धि की जगह नहीं पा सकते, आप कभी भी अपनी जिंदगी में चंगाई नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप लगातार यीशु को मारते हो, उसके वचन को आप अपनी लाइफ में पूरा नहीं करते हो, सब कुछ मजाक बनाया है, इसलिए आपकी जिंदगी में सब कुछ मजाक होता है। ये चर्च है, यहां जीवित परमेश्वर चलता है, याद रखना, यहां जीवित परमेश्वर चलता है, और एक बीज बोने वाले को वो फैक्ट सबसे ऊंचा करने वाला है, यीशु मसीह के नाम है। चर्च यदि जिस दिन प्रयास कर ले कि हमें चर्च के लिए क्या करना है, कलीसिया भेड़ें यदि जिस दिन ये सोच लें कि हमें अपने चरवाहे के लिए क्या करना है, हमें इस विजन में सपोर्ट करना है कि नहीं करना, आपका केवल काम यही नहीं कि आप चंगे हो जाओ, अपने घर में बैठ जाओ, नहीं, कलीसिया केवल ये काम नहीं कि वो छुटकारा पा जाए, अपने घर बैठ जाए। यीशु मसीह आपको चंगाई किस लिए दिया? ताकि आप चंगे होकर के उसके वचन का फैलाव करो। आमीन। बगल वाले से बोलो, वचन का फैलाव करो। आशीष क्यों दिया? ताकि उसके वचन का फैलाव करो, सुसमाचार प्रचार करो। आपके प्राणों को बचा लिया इसलिए नहीं कि आप चुपचाप रहो, आप जाकर गवाहियां दो और उसके उसका काम करो। जहां पे आप दे दिए गए हो, जिस कलीसिया में दे दिए गए हो, आपको खुदा जहां लेके चला गया है, ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ वहां के प्रति आप समर्पित हो जाओ, और जब आप समर्पित हो जाओगे, आपका विजन सही रीत से काम करेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। याद रखना इस बात के लिए, आप अपना पथ खो बैठते हैं जब आपकी जिंदगी में बहुत सारे शब्द आते हैं। इस दुनिया में 2 विजडम है, 2 बुद्धि है,
एक शैतान की बुद्धि है, एक परमेश्वर की बुद्धि है। इस संसार की बुद्धि आप लो, उसमें विश्वास नहीं है। इस संसार का ज्ञान लो, उसमें चंगाई नहीं है। इस संसार का ज्ञान सुनोगे, उसमें विश्वास की सही आत्मा नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर के समीप आते हो, वो एक जीवित वचन आपको देता है और कहता है कि इस दशा में जब तुम विश्वास करोगे तो परिणाम आपके घरों में आएगा यीशु मसीह के नाम में। दिशाएं और दिशा आपकी बदलेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।